जल ही जीवन है, यह बात सच है, लेकिन यही जल कभी कभी लोगों की जिंदगी को तहस नहस भी कर देता है। ऐसा ही कुछ नजारा गाजीपुर के मोहम्मदबाद तहसील के सदरपुर ग्राम सभा में देखने को मिल रहा है, जहां पर पिछले 4 महीने से पूरा गांव बाढ़ के पानी से घिरा है और पूरा गांव टापू बना हुआ है। आलम यह है कि गांव से बाहर निकलने का एकमात्र साधन नाव है और नाव के सहारे ही पूरे 4 महीने से गांव की जिंदगी चल रही है, जहां छोटे छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर हर रोज नाव की यात्रा कर स्कूल तक पहुंचते हैं। यात्रा करने में करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय लगता है। ऐसे में परीक्षा के समय बच्चे उसी नाव पर अपनी पढ़ाई भी करते हैं। वहीं बच्चों ने बताया कि उन्हें डर तो लगता है, लेकिन स्कूल जाने के लिए मजबूरी है। चल जा रहे हैं 2-3 महीने से। क्यों आखिर क्या दिक्कत ऐसी आ गई है? रोड अभी नहीं बनी है। रोड बनाई नहीं कि रोड पानी में डूबा है? नहीं, रोड बना ही नहीं है। तो पहले कैसे आप लोग आते जाते थे? अच्छा, तो ऐसे में आप लोग को नाव पर बैठ कर रोज पढ़ाई करने जाती हैं, डर नहीं लगता है? डर लगता है। तो डर लगता है तो फिर क्या करती हैं आप लोग? नाव से जाती हैं। इसमें देखा जाता है कि नाव में पानी भी भरता है, आप ही लोगों के द्वारा निकाला भी जाता है। अभी नाव पर ही देख रहे हैं कि आप लोग जो किताब अपना बुक भी निकाल कर पढ़ रही है। क्या परीक्षा का समय है क्या? तो जब घर से चलती हैं और फील्ड वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है आप लोग को? आधा घंटा। इसलिए आधे घंटे का आप लोग सदुपयोग कर रही हैं। तो वही गांव की गर्भवती महिलाएं भी स्वास्थ्य केंद्र तक जाने के लिए नाव का सहारा लेती हैं और अन्य लोग भी इसी नाव के सहारे गांव के बाहर आते जाते हैं। इन 4 महीनों में करीब 3 बार नाव डूब चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इन 4 महीनों में कोई भी जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया है। नाव के सहारे, नाव के सहारे। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम गांव-गांव में सड़कें दी हैं, क्या आपके गांव के सड़कों की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में कौन सरकार है हम लोग क्या जानते हैं कि सरकार है या मर गया सरकार, कैसा सरकार? क्या आपके यहाँ कोई सांसद या विधायक वोट लेने के लिए 2017 में आया था या नहीं आया था? वोट लेने आता है, बोलता है कि हम बनवा देंगे, फिर घर चल जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मारामारी करेंगे? तो क्या आपके यहाँ के विधायक कौन है? ओम प्रकाश राजभर है। तो ओम प्रकाश राजभर जी पिछले दिनों भाजपा के साथ थे, अब समाजवादी पार्टी के साथ है। वो तो कभी मुँह दिखाने नहीं आता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि वो नेता है कि क्या है कि नहीं है? वो लोग वो कहते हैं कि हम गांव के हर व्यक्ति को उनका जो अधिकार दिलाने की बात करते हैं, वो झूठ बोलता है। ऐसे में अब नाव पर जाएंगे, कितने सालों दिनों समस्या आई है आपके यहाँ? हम लोग कहते हैं 5 साल से रोड नहीं बनता है। हम लोग इसी तरह जब भदवारी आ जाता है तो 4 साल अपने घर में रहते हैं। नाव से कितने दिनों से आप लोग आना जाना कर रही हैं? 4 महीना हो गया। 4 महीने जैसे नाव अब चलता है लगभग कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूर रास्ता भी है। ऐसे में आप लोग जब नाव से चलती हैं तो क्या आप लोग को डर नहीं लगता या कभी कोई डर क्यों नहीं रहता? एक दिन तो नाव डूब गया, बच्चे भी उसमें था, लोग छाने। वहीं जब जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को बताया गया तो उन्होंने तत्काल SDM को मौके पर जाने के निर्देश दिए। इस बारे में जानकारी मिली है। अभी देखिए पिछले दिनों बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ की वजह से पानी जल जमाव हर जगह था, बट यहाँ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि गाँव को आने जाने का कैसे रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि पानी अभी भी लगा है। आपने अभी फोटो भी दिखाई, वीडियो भी दिखाई है। मैंने उप जिलाधिकारी को कहा है कि खंड विकास अधिकारी को साथ ले जा करके देख लें और जो भी हम आवागमन के कोई रास्ते बना सकते हैं वो हम बनवाने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि यह गांव सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के विधानसभा जहूराबाद का हिस्सा है। लोगों ने बताया कि उनके विधायक ओम प्रकाश राजभर चुनाव के वक्त ही आए थे और बहुत सारे वादे किए, लेकिन चुनाव के जाने के बाद आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। पंजाब केसरी TV के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।